क्या यहाँ से ऑस्ट्रिया स्टार्ट होता है? साइन पोस्ट कोई नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले 5 दिनों से मैं ड्राइव कर रहा हूँ जर्मनी में और आज पहुँचा हूँ मैं म्यूनिख। मारे ना टक्कर जान दो। अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन। में ही हैं और ये आ गया स्लोवेनिया। ये चेक करें जी, व्यू चेक करें आप, क्या कमाल व्यू है ऑस्ट्रिया के पहाड़ और बालकनी का। और अब हम क्रोएशिया की तरफ आ रहे हैं, तो तेरी खैर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल मैं पहुंचा था स्लोवेनिया के एक छोटे से बहुत ही खूबसूरत और मेन टूरिस्टी सिटी ब्लेड में। और सबसे मज़े की बात यह कि मेरे होटल से जो सामने कैसल का व्यू आता है और थोड़ी सी लेक भी नज़र आ जाती है, लेकिन लेक यहाँ से दूर नहीं है, 100 मीटर के तकरीबन फासला होगा। तो ये नज़ारे देख के मेरी थकावट दूर हो गई, तो मैं बिल्कुल झूठ बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम क्रोए। दुब्रोवनिक, थैंक यू वेरी मच।
Assalamualaikum और गुड मॉर्निंग फ्रॉम तुबरक। सर अब हमें यहाँ पे रोक के अपने कपड़े चेंज करने कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है यहाँ पे, और सामने टैंक पैक के ऊपर भी कवर देना है, कैमराज वगैरह सारे इसके अंदर है। सबसे पहले तो इसके ऊपर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम कोतोर मॉन्टीनेग्रो। अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम थेट नेशनल पार्क अल्बानिया। Assalamualaikum और गुड मॉर्निंग एवरी वन फ्रॉम अल्बेनिया। माई इंश्योरेंस टू सेंड मी एन ई मेल, इज इट पॉसिबल ऑल्सो बाई ई मेल? Assalamu alaikum or good morning everyone from Albania. You can walk, you can cross the border, come back to Albania, we can help you in a system and you can go. Okay. Assalamu alaikum or good morning everyone from Tirana, Albania. Thank you very much, my friend. It was nice meeting to you. Nice to meet. ओके थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। हम लोग जी तैयार हैं निकलने के लिए, लेकिन अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। हम कहीं जा कर रुकते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर मैं आपको आज के प्लान के बारे में बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी उठा हूँ और अभी मुझे बारिश ने उठा दिया। तकरीबन बजे हैं 6 बजे हैं आई थिंक।
इसलिए मैं सोच रहा था कि सबसे पहले अपना जो छोटी मोटा सामान है उसको पैक कर लूँ, क्योंकि बाद में जो है अगर गीले की चीज़ होगी तो मसला होगा उसको पैक करने में भी। रात को तो मौसम अच्छा रहा, लेकिन जब अब उठने का टाइम आया, पैकिंग का टाइम आया, जिस टाइम आपको चाहिए होता है कि यार अब मौसम जो है ना वो ठीक रहे, इसमें आपने सारी चीज़ें निकालनी होती हैं, इनको साइड पे अगर जगह ज़्यादा तो बड़ी आसानी से हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जो टेंट में जितनी जगह हैं चीज़ें हैं उनको अच्छी तरह समेट लूँ, उसके बाद अगर मौसम ठीक हुआ तो खाना वगैरह इधर बना लेंगे, नहीं तो कहीं से नीचे जा कर कैफ़े वगैरह से जो है कॉफ़ी वगैरह पी लेंगे। बेस्ट तो ये है कि यहाँ से बंदा आराम से करके निकले, मज़ा आए। प्रॉब्लम, आई कैन नॉट टर्न इट ऑफ। अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम, एक मिनट मुझे विलेज के नाम याद नहीं सही तरह आ रहा, दुध से दलचीव बल्गारिया, एक छोटा सा विलेज है ग्रीक बॉर्डर के बिल्कुल साथ लगता है। कल मैं यहाँ पे बड़ी मुश्किल से पहुँचा था मरमर के, और जब मैं यहाँ पे पहुँचा ही था तो मेरी बाइक जो है बंद हो गई थी। पुश कर देना तो हमारी जो है गधा गाड़ी ना स्टार्ट हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम इंटरनेट टर्की। अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम एदर ने तुर्की। पिछले दो दिनों से मैं यहाँ पे स्टे कर रहा था। और जी हम लोग हैं तैयार, और ये है जी अपना, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो हम लोग हैं जी तैयार निकलने के लिए, सामान वगैरह अब तो बड़ी जल्दी से लग जाता है। एक ये अल्लाह खैर करिए से आज का दिन भी गुजारना। मसला ही है ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन फ्रॉम इस्तांबुल तुर्की, सल्तनत उस्मानिया का चौथा और आखिरी कैपिटल सिटी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन और वेलकम बैक टू द चैनल। क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से इस्तांबुल में फंसा हुआ, मेरी बाइक जो है अभी रिपेयर नहीं हुई, काम चल रहा है उसका, और मुझे आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि इस टाइम को यूज़ करके तुर्की की जो लोकल कुजीन है उस पर एक ब्लॉग बनाया जाए।
Assalamualaikum और गुड मॉर्निंग एवरी वन फ्रॉम इस्तंबुल तुर्की। पिछले 10 दिनों से मैं इस्तंबुल में फंसा हुआ क्योंकि मेरी बाइक जो है वो ठीक नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली अभी भी ठीक होकर नहीं आई है, लेकिन मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं इस्तंबुल से बाहर जाऊँगा और जिस सिटी में मैं जा रहा हूँ उसे कहते हैं बुर्सा, जो कि सल्तनत उस्मानिया का ऑफिशियली पहला कैपिटल था, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया बिल्कुल इसके पास ही एक छोटा सा गाँव है सुगुत, वहाँ से स्टार्ट हुई थी। फाइनली अपनी बाइक पर आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है यार। अस्सलामुअलैकुम और गुड मॉर्निंग फ्रॉम बुर्सा। कल मैं आया था बुर्सा, मैंने बुर्सा का ब्लॉग वगैरह बनाया और आज मैं जा रहा हूँ वापस इस्तंबुल। अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम इस्तंबुल तुर्की। ये तो मिल गया लेकिन ये इसकी अस्सलामुअलैकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम एस्केशहर तुर्की। अभी मैं अपने रूम में हूँ, ये काफी अच्छा होटल मुझे मिल गया था बेसिक। अस्सलामुअलैकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम तुज़गलो तुर्की। सुबह के तकरीबन 6 बजे हैं और मैं आज बहुत जल्द अस्सलामुअलैकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम कप्पादोकिया तुर्की। रोक लिया था यहाँ पे पुलिस वालों ने, अभी सूरज भी हमारे बिल्कुल सामने है, सुर्खी फुल बनी हुई है उसकी।
अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम तिब्रिक तुर्की। सुबह सुबह उठाऊँ और अस्सलामुअलैकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम एरसिनचिन तुर्की। आज का प्लान ये है कि हम लोग राइड करके जाएंगे एरसुरम की तरफ। ये देखना मुझे नजर नहीं आ रहा। Now I cannot see anything if I am on the road, so maybe one of you. I don't see anything, but the thing is, it's tiring and tiring, and it's cold. I'm freezing. अस्सलामुअलैकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम एर्ज़ुरम तुर्की। आज का मेरा प्लान ये है कि सबसे पहले जाके इंशाल्लाह सिटी के अंदर दो चार हिस्टोरिकल जगह हैं वो एक्सप्लोर करते हैं। चेक करें नीचे व्यूज। अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम उज़ुंगुल नियर त्रापसन इन ईस्ट तुर्की। अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम उज़ुंगुल तुर्की। सुबह के तकरीबन 9 बजे हैं और मैंने अभी अपना नाश्ता ख़त्म किया है। सरप्राइज दे तो देखिए कौन आए हैं दो बंदे। जी मुझे फॉलो कर रहे हैं या मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ?
अभी तक का दिन बड़ा ही क्रेजी जा रहा है, मैं आपको बताता हूँ सारी स्टोरी इसकी। अस्सलामुअलैकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम तुर्की। मैं जिस जगह पे हूँ ये बिल्कुल जॉर्जिया के बॉर्डर के पास है और इसके बिल्कुल पास है एक छोटा सा सिटी जिसे कहते हैं बॉर्चका। इस गांव का एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम तुर्की। आज मैं हूँ बिल्कुल आर्मेनिया के बॉर्डर के पास जिस सिटी में हूँ इसे कहते हैं कार्स। ये जो है ये ईरान है लेफ्ट साइड पे और मैंने अपनी बाइक को अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम माउंट अरारत। आज सुबह मैं उठा हूँ 5:40 पे, जबकि मैंने उठना था 5:00 के, सनराइज़ होता है 5:30, तो मैंने कहा था कि आधा घंटा पहले उठो, फोटोग्राफी वगैरह करो। हमारी बॉर्डर क्रॉसिंग अनफॉर्चुनेटली अभी तक ख़त्म नहीं हुई। यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपका आइडिया होगा कि मैं ईरान के बॉर्डर पे गया था, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मुझे एंटर नहीं होने दिया, तो मैं एक 350 किलोमीटर दूर सिटी एर्जुरम जहाँ पे ईरान का कॉन्सुलेट है वहाँ पे आया हूँ। जब मैं वहाँ पे गया हूँ तो आपको होता है ना कि यार एक ऐसा बंदा मिले, कोई ना अच्छा बंदा मिले। अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम तबरेज ईरान। आज मैं उठा हूँ सुबह 6:30। ओ तेरी खैर, फंस गए। अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम सेवा ईरान, जिस छोटी सी सिटी है। कल मैं इसके पास पहुंचा था तो मैंने सोचा था कि चलो कैंपिंग कर लूँगा, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पे होटल ले लूँ। السلام عليك يا ابن امير المؤمنين। ये श्राइन है हजरत फातिमा मसूमा अलैहिस्सलाम की, जो 8वें इमाम हजरत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बहन थी। शिया मुस्लिम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और उनकी जो होलीस्ट श्राइन्स हैं उनमें से एक है। बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे दुआएं मांगने के लिए, इबादत करने के लिए। और बहुत आजकल तो इतना ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन नॉर्मल डेज़ में स्पेशली अशूरा वाले दिनों में यहाँ। हेलो पाकिस्तान।
अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम अस्फहान ईरान। छोटे थे जब मैं स्कूल जाया करता था तो हमें पढ़ाया जाता था कि अस्फहान निस्फ जहान। तब से लेके आज तक मेरे दिल में हमेशा एक ख्वाहिश थी कि किसी दिन मैं अस्फहान जाऊं और सिटी को एक्सप्लोर करूं, उसको देखूं। और आज वो दिन आ गया कि जब मैं अस्फहान में हूं और जिस जगह पे मैं खड़ा हूं इसे कहते हैं नक्शे जहान स्क्वायर, जो सिटी का मेन हार्ट है जहां से सिटी की सारी एक्टिविटीज़ स्टार्ट होती हैं। और दुनिया में आपको इस तरह का कोई स्क्वायर नज़र नहीं आएगा जो सबसे खूबसूरत स्क्वायर जिसे समझा जाता है। अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम तश्तेलु, दुनिया के सबसे गर्म तरीन डेजर्ट। और बिलीव मी, ये मेरा भी मानना है, मैंने जितनी जगह पे कैंपिंग की है इससे ज़्यादा गर्म रीजन कोई भी नहीं था। चराग नो खामोश, जर्मनी नो खामोश। अच्छा जी, यहाँ से खामोश हम आगे लेके जाएंगे, चला के हमने इजाज़त नहीं है, पीछे से धक्का लगा रहा है। तशक्कुर। हाँ जी, सुबह वाला, अब चला के लेके आ सकता हूँ? कहाँ पे? ये जो बंदे नहीं निकल रहे हैं, दो हाँ जी, हाँ जी, उधरी ब्रेक है। ओके ठीक है, शुक्रिया। बॉर्डर पे पहुँच गया था और पहले तो आराम से, कुछ उन्होंने मसला नहीं किया। लोग जो है ना थोड़े से लेट पहुँचे हैं, लेकिन जैसे वो पहुँचे उन्होंने मेरे कारने वगैरह जो है चेक किया, उस पर एग्जिट स्टैंप लगा दी। उसके बाद मुझे कहती हैं कि आप इंतज़ार करें, अभी ना आपके जो पासपोर्ट पे ना एग्जिट स्टैंप लगेगी। मैंने ठीक है, मैंने तकरीबन कोई घंटा इंतज़ार किया। उसके बाद एक बंदा आया, कहता है कि यार बॉर्डर बंद है तो आपको वापस जाना पड़ेगा मशहद। मैंने कहा मशहद किस लिए मैं जाऊँगा, मैं सुबह से यहाँ पर आया हूँ और अभी आप मेरा क्लियर करें, मैं पाकिस्तान की तरफ जा रहा हूँ। कहते नहीं, चार दिन के लिए। मैंने उनको तरले मिलते हैं कि कहते अच्छा ठीक है, आप बैठें, हम आपको जो है ना बताते हैं। कोई 15-20 मिनट 25 मिनट के बाद कहते हैं कि पाकिस्तानी है। कहा उसने, कहा मुझे अपना पासपोर्ट और POC दें, मैं चेक करके आ बताता हूँ। उन्होंने चेक किया, कुछ देर के बाद 10 मिनट के बाद आ गया, कहता ठीक है कोई मसला नहीं, आप इंटर हो सकते हैं। उसके बाद से कहते हैं कि अब आप इधर इंतज़ार करें, आपको एग्ज़िट स्टैम्प मिलेगी। मैंने 2 घंटे किया एग्ज़िट स्टैम्प के लिए, नहीं मिली एग्ज़िट स्टैम्प। फाइनली उसके बाद जो उन्होंने एग्ज़िट स्टैम्प, मेरा कारने के स्टैम्प वगैरह लगा के जो कुछ करना था कर दिया, फिर सामान चेकिंग पे आ गया, सारा सामान चेक किया एक एक चीज़। और उसके बाद मुझे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आप जो है ना इवन कि ड्रोन भी चेक किया, इंटर हो गया पाकिस्तान। फिर पीछे से आवाज़ आई कि ईरान वाले आपको बुला रहे हैं। दोबारा ईरान गया। ये वो टाइम जिस टाइम मैं सोच रहा था कि अब पता नहीं क्या होगा। जब मैं इंटर हुआ तो मुझे कहते हैं कि आप अपना सारा जो कैमरे हैं वो ले के दिखाएं, क्योंकि ईरानियन इंटेलिजेंस ने मुझे बुला लिया था। अब उन्होंने एक एक कैमरा, मोबाइल, पूरा एड्रेस, जितना कुछ वो मेरे से निकलवा सकते थे वो उन्होंने निकलवाया। और उसके बाद अल्लाह की बहान है कि उन्होंने लिटरली मेरे ड्रोन की फुटेज वगैरह जो है ना वो सारा कुछ चेक करने के बाद कोई मसला नहीं उन्होंने निकाला।
और कहते हैं ठीक है आप जा सकते हैं। मुझे ये डर था कि यार कोई इलीगल फुटेज मेरे पास नहीं थी, और वो टाइम मेरे ख्याल में मेरी ज़िंदगी क्या, जब आप बैठ रहे होते ना आपको नहीं पता होता कि अब आप यहाँ से कब फारिग होगे। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए पाकिस्तान, और अभी अगला नेक्स्ट स्टेप ये पाकिस्तान का सारे जो कस्टम और ये वो मैं आपको टाइम के साथ साथ जो जैसे आगे चलते जाते हैं मैं आपको बताता रहता हूँ। तो अभी ये सारे भाई बैठे हैं अपने मुल्क में आके, काफ़ी खुशी हो रही है, लेकिन जो पीछे मुझे झटका लगा ना उसकी वजह से अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा दोबारा नॉर्मल अपने रिदम में आने के लिए। तो बाइक अपनी खड़ी है तैयार और निकलते हैं। मैंने मेरे पिछले व्लॉग में देखा कि मैं फाइनली ईरान से पाकिस्तान इंटर हो गया था। पाकिस्तान की साइड पर सारा प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और फास्ट था, उसमें मुझे सिर्फ 30 मिनट लगे। इस एरिए में माजी में कुछ टेररिस्ट अटैक्स वगैरह हुए हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब हर टूरिस्ट जो इस बॉर्डर से पाकिस्तान इंटर होता है उन सबको एक कन्वॉय की शक्ल में सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हुए उनको आगे क्वेटा की तरफ लेके जाते हैं, ताकि इस तरह के वाकयात दोबारा ना हो। और ये सर्विस टूरिस्ट के लिए बिल्कुल फ्री होती है। इसके सारे अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम मिख्तर बलोचिस्तान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, अब हम आ गए घर। हटाओ सलाम अलैकुम। हाँ जी टूटे छूटे लो ना दा। बिस्मिल्लाह।
कैमरा जानते हो इन दोस्तों तो शुक्र अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस वक्त हम सब दोस्त यहाँ मौजूद हैं जी, और आज जो जिस तकरीब की वजह से हम यहाँ इकट्ठे हैं वो तकरीब है हमारे दोस्त इब्रार भाई के यूट्यूब के सब्सक्राइबर जो है वो 2 लाख हो गए जी। तो उसकी खुशी में आज हम ये केक काट रहे हैं मौलवीज ऑन बाइक, डॉक्टर्स ऑन राइड और टीचर्स ऑन राइड के साथ। ये दोस्त सब मौजूद हैं यहाँ, उनके इब्रार भाई के फैन हैं और जिन्होंने जर्मनी से लेकर अभी पाकिस्तान तक जो अब व्लॉग आने वाला है तो वो देख रहे हैं और उनके हम सफर भी रहे हैं। सफर के साथ साथ डॉक्टर साहब भी यहाँ मौजूद हैं जी। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? जी बहुत बहुत मुबारक हो इब्रार भाई को, ये माशाल्लाह उनकी मेहनत है और उनको पल मिल रहा है। जी जावेद भाई, पहले तो मुबारकबाद के वो हमारे इतने ताल्लुक में हैं, हम उनके व्लॉग्स देखते हैं और वो बिल्कुल हमें लगता है कि वो देसी स्टाइल में वो हमारे जैसे ही हैं। माशाल्लाह जी। मियां जुनेद साहब क्या कहेंगे? पहले तो इब्रार भाई को मुबारकबाद, और दूसरा मेरे ख्याल में हमारे लिए इंस्पायरेशन है जिस तरह से वो व्लॉग बना रहे हैं, हम उनसे सीख रहे हैं। विश यू बेस्ट लक। अनीस साहब, सबसे पहले तो इब्रार भाई को मुबारकबाद। इसके बाद ये है कि भी हम जो है उनकी वजह से दुनिया को देख रहे हैं उस उनकी नजर से। थैंक यू इब्रार, थैंक यू जी। मोहब्बत भाई, माशाल्लाह जी, सबसे पहले तो मुबारकबाद देंगे इब्रार भाई को। माशाल्लाह वो हमारे इस वक्त जो है ना आइडियल है, इंशाल्लाह हम भी उनको देख देख के जो है तुर्की की तैयारियों में। माशाल्लाह जी। अली भाई, इब्रार भाई को बहुत बहुत मुबारक। माशाल्लाह। शोहेब साहब, इब्रार भाई बहुत मुबारकबाद और 200K सब्सक्राइबर का बहुत मजा आता है आपके ब्लॉग देख के। वेल डन। काशिफ भाई, इब्रार भाई मुबारकबाद। जी शेख साहब, इब्रार भाई वेल डन, बहुत अच्छा जी। हाँ जी गजन फरमी भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप वो काम कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। और दूसरा सर, ये शर्ट भी आप बदल दें। जी तो ये इकट्ठे हैं जी दोस्त माशाल्लाह, और हम दुआ भी कर रहे हैं कि इसी तरीके से हमारा भाई जो हम में से है वो फील कराए हमें, और जो हमारे आइडियल भी हैं माशाल्लाह। मैं मौलवी इमरान अपनी सारी टीम के साथ इब्रार भाई को भी विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपके लिए बहुत सारी कामयाबी है फ्यूचर में, अल्लाह तबारक व ताला आपको मजीद इज्जत दे। बेसिकली जो आपसे हम लोगों का रिलेशन है वो एक पाकिस्तानी होने के नाते सबसे पहले, फिर उसके बाद आप बहुत बड़े आदमी हैं, आपने जो काम किया है वो सच में एक माइलस्टोन है। जर्मनी से पाकिस्तान आना और फिर इतने सारे मुल्क बाइक पे एक्सप्लोर करना। ये जी हाथ कपे दलिया ये जी इब्रार भाई का केक जी, पहले पहले फहीम भाई सारा खा गए। ठीक है ठीक है।